कुदरत ने सुनी नदीम की फरियाद, नमाज पढ़ते वक्त टीम को आई याद, अब नदीम ने बताई ये बड़ी बात। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। किसी भी खिलाड़ी के लिए उसका पहला मैच काफी मायने रखता है। हर खिलाड़ी चाहता है कि उसका पहला मैच यादगार बने। तीसरे मैच में स्पिनर के तौर पर खेलने वाले शहबाज नदीम का पहला मैच भी यादगार रहा। करीब 15 साल से टीम इंडिया के लिए खेलने का सपना संजोए बैठे इस स्पिनर को जब मौका मिला तो ऐसा कारनामा कर दिया जिसे लंबे वक्त तक याद रखा जाएगा। लेकिन नदीम के लिए जिस तरह से पहला मैच यादगार रहा, वैसी ही कहानी है जब उन्हें इस खास मौके का पता चला। 30 साल के नदीम ने टीम इंडिया की शानदार जीत के बाद कहा, जब मुझे टीम में चुनने की सूचना देने के लिए फोन आया तब मैं नमाज पढ़ रहा था। नमाज पढ़ने के बाद जब मैंने फोन उठाया तो मुझे इस बारे में पता चला। तब दोपहर के 2:30 बज रहे थे। मैं बहुत भावुक और उत्साहित था, मगर इसके बाद मैंने इस बात पर फोकस किया कि मुझे मैच में क्या करना है। शुरुआती 3 गेंदों तक मैं नर्वस था, लेकिन उसके बाद सब सही हो गया। और सब सही ऐसा हुआ कि नदीम ने अपने पहले ही मैच में 4 विकेट ले लिए। उन्होंने रांची टेस्ट मैच के 4th दिन टेम्बा बाबुआ और एनरिक को लगातार 2 गेंदों पर आउट कर दक्षिण अफ्रीकी पारी को समेटा था। नदीम के लिए रांची टेस्ट कोई आम मुकाबला नहीं था, बल्कि उनकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत एहसासों में से एक था। ये पल इसलिए खास था क्योंकि एक तो देश के लिए खेलने का मौका मिला और दूसरा ये मौका भी अपने घरेलू मैदान पर था। तो मौका भी था और दस्तूर भी। नदीम ने इस खास मौके को भुनाते हुए शानदार 4 विकेट लिए। वैसे नदीम लगातार घरेलू क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे थे और उन्हें इस मौके का काफ़ी लंबे वक्त से इंतजार था। नदीम को फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हुए 15 साल हो गए हैं और उनके नाम 400 से ज़्यादा विकेट दर्ज हैं। तो जिस तरह से नदीम ने पहले टेस्ट मैच में गेंदबाजी की है, उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में भी नदीम इसी तरह से खेलते रहें और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाते रहें। क्रिकेट से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।